राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू संस्कृति को शशक नमन करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, माता रानी के 9 दिन के नवरात्रि संपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे में चौकी कैसे हटाएं, कलश कैसे उठाएं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में चलती हैं। जिस तरीके से दोस्तों पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा का महापर्व मनाया जाता है 9 दिन तक, नवरात्र के 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही सबसे पहले दिन जैसे कि हम लोग कलश की स्थापना करते हैं, तो दोस्तों कलश को उठाते वक्त अष्टमी और नवमी को विसर्जन किया जाता है। दोस्तों बहुत लोगों के यहाँ अष्टमी होती है और बहुत लोगों के यहाँ नवमी होती है, लेकिन दोस्तों कलश जो उठाया जाता है वो अगर कन्या पूजन लोगों के यहाँ अष्टमी में होती है तो वो अष्टमी में उठाते हैं, और अगर नवमी में कन्या पूजन होता है तो नवमी में उठाते हैं। लेकिन दोस्तों माता रानी के 9 रूपों का 9 दिन तक पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नवमी में भी आप माता की पूजा आरती जरूर करें। तो दोस्तों इस कार्य को भी आपको पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इससे माँ खुश होकर आपके घर में सुख और समृद्धि का वरदान देती है। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि कलश स्थापना के ही जैसे कलश विसर्जन करके करते समय भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान पूरे विधि विधान का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भूल चूक ना हो जाए और देवी दुर्गा रुष्ट ना हो जाए। तो दोस्तों कलश विसर्जन के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हम आज बात करेंगे। इसके ऊपर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अष्टमी और नवमी के व्रत संपन्न होने के बाद हवन और फिर कन्याओं को भोजन करवाना आवश्यक माना जाता है। दोस्तों कन्याओं को भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो आप गाय को भोजन करा सकते हैं। गाय का भी नहीं पहुंचा सकते हैं तो सूखा निकाल कर रख सकते हैं, सूखा अन्न रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं पता कि आप कब दे पाएंगे तो आप माता रानी के नाम से पैसे उठा कर रख सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी श्रद्धा अनुसार या फिर हालात जैसे चल रहे हैं उन हालातों को देखते हुए जैसा भी बन पड़े आप वैसा कर सकते हैं और माता रानी से माफ़ी मांग सकते हैं। दोस्तों कन्याओं में किसी भी एक कन्या को भगवती के 9 अवतारों का एकीकृत स्वरूप मानते हुए उसका विशिष्ट पूजन जरूर करना चाहिए। अगर आपको कोई एक कन्या भी मिल जाती है, आपके घर परिवार में कोई है, तो उसको बिठाकर उसका विशिष्ट पूजन करें। कन्या का पूरा पूजन हो जाए, जैसे कि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी शेयर किया है कि कन्या आती हैं तो उनके सर्वप्रथम आपको पैर धुलाने चाहिए, उसके बाद उनको मोली बांधनी चाहिए, टीका करना चाहिए, चूड़ी पहनाइए, चुन्नी उड़ाइए, भोज कराइए और उपहार देकर और पंजी, माता के नाम की एक पंजी 5 का सिक्का देकर उनको विदा कीजिए। और दोस्तों कन्या पूजन के बाद देवी भगवती का आपको सह परिवार ध्यान करना है, क्षमा याचना करें कि हे देवी महे, हम मंत्र पूजा विधान कुछ नहीं जानते हैं, अगर हमसे पूजा में कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा कीजिएगा। हे देवी हमको हमारे परिवार कुल को अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इस घर में सदैव विराजमान रहना, हमको सुख समृद्धि विद्या बुद्धि विवेक धन यश प्रदान करना। इसके बाद देवी सूक्तम का पाठ करना करते हुए देवी के इस मंत्र को जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों देवी सूक्तम का पाठ करके इस मंत्र को जरूर पढ़िए। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का दोस्तों लगातार 11 बार जाप करें। इसके बाद कलश को उठाइए और विसर्जन के लिए एम इहिम क्लिम चामुंडाय विच्छे। ध्यान रहे कि कलश को उठाते हुए इस मंत्र का जाप करते रहें, नारियल को अपने माथे पर लगाएं और जो नारियल के ऊपर आपने चुन्नी बांधी थी उसको अपनी माँ पत्नी बहन की गोद में रखिए। इसके बाद कलश लेकर आम के पत्तों से कलश के जल को अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए, घर के हर कोने में डालिए। ध्यान रहे सबसे पहले रसोई घर में छिड़कें, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके बाद अपने शयन कक्ष में, स्टडी रूम में, ड्राइंग रूम में और अंत में घर के प्रवेश द्वार पर छिड़किए, लेकिन बाथरूम में जल नहीं छिड़कना चाहिए। दोस्तों कलश के जल को तुलसी के गमले में अर्पण कर दीजिए और जो सिक्का और जो भी सामान आपने डाला था उसको उठाकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। जैसे कि सिक्का आपने डाला था तो उसको उठाइए
और उसको अपनी तिजोरी में माथे से लगाइए और उठाकर तिजोरी में रख दीजिए और उसको आपको कभी भी खर्च नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों कलश और अखंड ज्योत के दीपक पर बंधे कलावे को आपको अपने हाथ या फिर बाजू पर बांध सकते हैं या फिर आप गले में भी पहन सकते हैं। ये देवी का सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है दोस्तों, जो आपको हर मुसीबत से बचाता है। कवच सूत्र बांधते हुए जो भी देवी मंत्र याद हो, अभी जैसे मैंने आपको पहले भी ये मंत्र बताया है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं। दोस्तों ये सूत्र घर के सब सदस्य पहन सकते हैं। इस तरह नवरात्र व्रत का प्रायण संपन्न होता है। अष्टमी और नवमी से व्रत का प्रायण करने वाले इस विधि से कलश विसर्जन करेंगे तो उनको लाभ प्राप्त होगा। बता दूं दोस्तों कि अष्टमी या नवमी तिथि को व्रत प्रायण करने वालों अखंड ज्योति को विजयदशमी के पूजन तक प्रज्वलित रखना चाहिए। अखंड ज्योति आपको विजयदशमी या फिर मैं कहूँ कि दशमी तिथि तक आपको अखंड ज्योति जलाए रखनी है, और जो शारदीय नवरात्र होते हैं उसमें आप विजयदशमी जो होती है तब तक जला कर रखिए। तो दशमी तिथि तक आप अखंड ज्योति को जलाए रखिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशमी तिथि को भी बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन भी अपराजिता देवी का पूजन किया जाता है। तो दशमी तिथि तक आप अखंड ज्योति जलाए रखिए। तो दोस्तों कलश उठाते हुए आपको ये गलतियां नहीं करनी है। ये तो हुई दोस्तों कलश उठाते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ चीज़ें मैं और बता देती हूँ, जैसे कि आपका जो पूजन का सामान है, माता की तस्वीर को आप मंदिर में स्थापित कर दीजिए। कलश आप उठा चुके हैं, इसके बाद जो पत्ते हैं, फूल है, ज्योत बत्ती का सामान होता है उसको एक पॉलिथीन में बांधकर आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। चौकी का जो कपड़ा है उसको आप उठा लीजिए और उसको अच्छे से झाड़ कर आप धोकर रख सकते हैं। पटरे पर अच्छे से साफ करके उठा लीजिए और जहाँ पर आपने माता की चौकी रखी थी वहाँ पर आपको झाड़ू नहीं लगानी है। सर्वप्रथम आपको एक सूखे कपड़े से वहाँ पर साफ करना है और उसके बाद कपड़ा गीला करके वहाँ पर साफ करिएगा और माता से हाथ जोड़िएगा। उसके बाद आप वहाँ पर झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम आपको वहाँ पर जमीन को छूकर अपने माथे से लगाएं। उसके बाद माता से बोलिए कि आपके जो शुभ नवरात्रे संपन्न होते हैं, अगली बार भी आप हमारे घर पर इसी प्रकार आइएगा और सुख शांति और समृद्धि का वास हमेशा हमारे घर पर बना रहे। और उसके बाद कपड़े से आप उस जगह को साफ कर सकते हैं। और जो भी प्रसाद या ये सब जो ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद, हम पांच मेवाओं का प्रसाद माँ को लगाते हैं, अगर वो बच गया है तो उसको आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कलश स्थापना, और उसको बढ़ाते वक्त जब उसका विसर्जन करते हैं तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्ते हिंदू रिचुअल्स।